अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखो दोस्तों, ये है वाघा बॉर्डर पर शियाब भाई के बड़े भाई जो मुनव भाई हैं दोस्तों, जो इतने दिन से शियाब भाई की टीम को लेकर जो दिल्ली में पेपर वर्क कर रहे थे दोस्तों, आज ये शियाब भाई के सफ़र को लेकर जो शियाब भाई के बड़े भाई हैं दोस्तों मुनव भाई, बहुत ही इमोशनल होते हुए नज़र आए हैं। जब शियाब भाई को अलविदा कर रहे थे वाघा बॉर्डर से, तो दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल बहुत ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों शियाब भाई के सफ़र को लेकर, शियाब भाई का जो पाकिस्तान का नया सफ़र है दोस्तों, उसको लेकर ये लोग जो शियाब भाई के साथ थे दोस्तों पिछले 4 महीनों से दोस्तों, वो तमाम लोग शियाब भाई को सफ़र को लेकर बहुत ही इमोशनल नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये देखें शियाब भाई के जो 4 महीनों से पिछले आफिया किड्स के प्रिंसिपल है दोस्तों, जो डॉक्टर जुनेद साहब है दोस्तों, शियाब भाई के नए सफ़र को लेकर बहुत ही इमोशनल नज़र आते हैं। और शियाब भाई के ये सफ़र को लेकर बहुत ही इन्होंने अपना प्यार दिखाया है शियाब भाई को, जब अपना अलविदा करते हैं। तो दोस्तों ये तमाम लोग शियाब भाई के सफ़र को लेकर बहुत ही इमोशनल हुए हैं। तो दोस्तों ये लोग शियाब भाई को जब वाघा बॉर्डर से रुखसती कर रहे थे, तो दोस्तों जब शियाब भाई के वाघा बॉर्डर से अलविदा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये तमाम लोग शियाब भाई के नली फील हो रहे थे। तो दोस्तों ये तमाम लोग शियाब भाई को छोड़ने आए हैं, तो दोस्तों शियाब भाई को जब अलविदा कर रहे थे, तो दोस्तों ये खुशी का मंजर के लिए हम तमाम लोग वेट कर रहे थे दोस्तों इतने महीनों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम से दोस्तों हमें ये दिन देखने को नसीब हुआ। तो दोस्तों अब शियाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, दोस्तों आज को शियाब भाई की नई अपडेट यही है कि पाकिस्तान में दोस्तों शियाब भाई का दूसरा दिन चल रहा है, डे 2 पाकिस्तान में शियाब भाई अपना सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह शियाब भाई ने वाघा बॉर्डर से लाहौर तक शियाब भाई ने पैदल तकरीबन चला है। तो दोस्तों कल रात मैंने शियाब भाई ने जो अपने जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है दोस्तों, वो लोग शियाब भाई की खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्तों वो लोग शियाब भाई का खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों वो लोग शियाब भाई की अच्छी तरह से देखभाल और खिदमत गुजार कर रहे हैं। तो दोस्तों शियाब भाई की तो कोई सफ़र की कोई टेंशन की तो अब दोस्तों बात ही नहीं बनती, क्योंकि दोस्तों शियाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह शियाब भाई अब वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपना सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ के लोगों में शियाब भाई अच्छे से एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के भी लोग शियाब भाई को उतने ही मिलने आ रहे हैं जितने इंडिया में शियाब भाई को मिलते थे दोस्तों। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं शियाब भाई के चाहने की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। शियाब भाई को जो भी लोग मिलते हैं दोस्तों, वो लोग शियाब भी है। तो दोस्तों ना ही कि इंडिया, दोस्तों अब देश विदेश में शियाब भाई का चाहने वाले लोग बढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस देश विदेश में शियाब भाई को चाहने वाले के लोग की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों ना ही कि इंडिया ना ही कि पाकिस्तान देशों, अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से भी शियाब भाई को लोग देखते हैं, शियाब भाई को चाहते हैं। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि शियाब भाई की लोग कितना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के शियाब भाई का सफ़र को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएंगे दोस्तों, वो रियल अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ यूट्यूबर से हमारी बात होती है, तो दोस्तों वो लोग का मानना यह है कि जब तक शियाब भाई का सफ़र पाकिस्तान में है दोस्तों, वो लोग हम लोगों को अपडेट पहुंचाएंगे कह के। तो दोस्तों इंशाल्लाह शियाब भाई की टीम तो दोस्तों शियाब भाई के साथ अब नहीं है, तो दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोग शियाब भाई के सफ़र में मदद कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों उनके साथ चल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हौसला दिला रहे हैं शियाब भाई की पाकिस्तान की आवाम। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोग शियाब भाई को बहुत ही चाह रहे हैं, तो दोस्तों हमें यह नज़र आता है। तो दोस्तों वो पाकिस्तान के भाइयों के लिए भी, जो पाकिस्तान की आवाम है दोस्तों, उनके लिए भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना प्यार शियाब भाई को दिखा रहे हैं। तो कुछ लोग ख़ास शियाब भाई को अच्छा सा देखभाल कर रहे हैं, यहाँ तक के दो लोग दोस्तों शियाब भाई कहाँ भी जाए दोस्तों उसकी अपडेट पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि शियाब भाई का कितना अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों जो भी होंगी दोस्तों अल्लाह ताला की मर्ज़ी होंगी, इंशाल्लाह शियाब भाई अपने सफ़र में कामयाब हो करके हम दुआ करते हैं। और शियाब भाई को इतने दिन से दोस्तों हमने दुआ किया था कि शियाब भाई को वीज़ा मिल जाए कह के, तो दोस्तों हम लोगों की दुआएं रंग लाई है कि शियाब भाई का सफ़र शुरू हो गया है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह शियाब भाई इसी तरह से अपना कदम से कदम मिला के मुबारक सफ़र में कामयाब हो कह के हम दुआ करते हैं। और शियाब भाई को इसी तरह से लोग जहां भी जाए, किस मुल्क में भी जाए शियाब भाई को, वहाँ के लोग शियाब भाई को सपोर्ट करें कह के। तो दोस्तों इंशाल्लाह शियाब भाई को लोग इसी तरह का सपोर्ट और इतना ही प्यार बरकरार करेंगे कह के हम दुआ रखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही शियाब भाई को लेकर कोई अपडेट निकल कर आएंगी, तो दोस्तों इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ वो भी अपडेट शेयर करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल तो दोस्तों शियाब भाई के सफ़र को लेकर इतनी ही अपडेट हमें मिली है कि दोस्तों शियाब भाई ने वाघा बॉर्डर से लेकर लाहौर तक अपना सफ़र
पूरा मुकम्मल किया है। तो दोस्तों पश्याब भाई का, तो दोस्तों इंशाल्लाह शहाब भाई की शाम की लाइव लोकेशन क्या होंगी और शहाब भाई नाइट में कहाँ स्टे करेंगे, कि दोस्तों जो अपडेट हमें मिलेंगे उसके मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो दोस्तों शहाब भाई का सफ़र जारी, अल्हम्दुलिल्लाह शहाब भाई पूरा प्रोटेक्शन लेकर अपना सफ़र शुरू करें हैं। तो दोस्तों शहाब भाई ने भी पूरा प्रोटेक्शन के साथ अपना सफ़र शुरू करें हैं। तो दोस्तों इसी तरह का प्यार शहाब भाई के लिए आप लोग भी बरकरार रखें। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह शहाब भाई एक दिन मक्का मदीना पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम सब की दुआएँ, हम सब का ख्वाब पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब पैदल निकले थे दोस्तों शहाब भाई, तब वो एक का ख्वाब था दोस्तों। अब ये तमाम लोग शहाब भाई को चाहने लगे हैं, तो दोस्तों अब वो ख्वाब तमाम आवाम का बन गया है, तमाम लोगों का ये ख्वाब बन गया है कि अब शहाब भाई को पैदल मक्का मदीना तक चल कर जाना ही है कह के। तो दोस्तों अल्लाह ताला चाहते हैं तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह शहाब भाई सफ़र में कामयाब होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट को अच्छे से रीच करेंगे कह के हम दुआ करते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह आप लोग भी शहाब भाई के लिए दुआ करें और शहाब भाई को इसी तरह का प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो दोस्तों शहाब भाई के सफ़र को लेकर जो भी अपडेट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, फेक चैनलों से, फेक अपडेटों से आप लोग बचें इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शहाब भाई ने अपना मुबारक सफ़र शुरू करा है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं शहाब भाई आपके के सफ़र में कामयाब हो के। तो दोस्तों इसी तरह का प्यार आप लोग शहाब भाई के लिए बनाए रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।